एक केस चले जा रहा हूँ उससे पहले बता दो, जानवर चारा खाता है, चारा खाने के बाद जानवर वो चारा मुंह से गिरा रहा होता है, उसकी ये और ये जानवर की जो दांतों का साइज है, दांत अपवर्ड या बैकवर्ड जो है ना, वो क्या होती है, थोड़ी सी इलाज हुई होती है, और दांत इतना मजबूत होता है वो किसी चीज से नहीं टूटता। हम जिसको कहते हैं जो है ना डेंटल स्केलिंग कर रहे हैं, टीथ ग्राइंडिंग कर रहे हैं, टूथ रेस्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके जरिए क्या करते हैं, जानवर की जो दांतों की सिमेट्री होती है वो क्या करते हैं, उसको रेगुलर कर देते हैं। इनरेगुलर से क्या करते हैं, रेगुलर। जानवर जो खाता है वो क्या करते हैं, दोबारा जुगाली जब करते हैं तो वो जब चेहरा खाते वो चीज नीचे नहीं मिलती। और फील्ड के अंदर लोग इस टेक्निक से बिल्कुल अनअवेयर है। हमारे बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स को, लोगों को इस चीज के बारे में इल्म नहीं है कि हम इस प्रोसीजर को करना कैसे। आम तरीके कारण वो क्या करते हैं, ये वर्निश माउथ गैग लिया या लिया बटलर, खसूसन इक्वाइन फैमिली में घोड़े या जानवर के मुंह में लगाया, उसको खोला और यहाँ पर आकर कर दिया उसको। अब ये लग गया, ये आसानी से निकलता नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, जानवर के मुंह में डालेंगे उसको, रगड़ना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री सर्जी फार्मा, ये दो बड़े ब्रांड हैं यहाँ से मिलती है, उसके अलावा पूर्ण इंडस्ट्री से मिलती है। ये टूथ रेस्ट पर बना रहे हैं, ये टूथ रेस्ट पर दो या तीन शेप्स के आते हैं, टिल्ट होते हैं, सीधे होते हैं, इस पर यहाँ नहीं आना, रेखी सी लगा देती है। ये हल्के हल्के से दांत आगे से क्या करती है, रगड़ती है, क्या करती है। हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह भी दांत ज्यादा बड़े हो जानवर को बेहोश करके नीचे उसको निकाल भी लेते हैं, वो कुछ केस में निकाला जा सकता है, लेकिन निकालने के डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। फिर कोई ना कोई जो है ना घास का जरा चारे का मुंह के अंदर क्या होता है, फंस जाता है, वो जानवर को पेन होती रहती है, मुंह से फाउल स्मेल आती है। आप टेक्निक क्या, ये हम रास्ता लेंगे ना, ये मैंने इसी वजह से खोला है, मैं आपको दिखा सकूं कि आप जो है ना इसको ये करके नहीं रगड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे। हर कॉल पर समझते हैं भाई दांत बहुत ज्यादा मजबूत है। अब यार हम यूएस जाएं, चाइना जाएं, उनके पास पे रेस्पर्स होते हैं बड़े बड़े, जाओ अगर वो नहीं है आप तो पाकिस्तान जुगाड़ दिखाते हैं, ये आ गई हमारे पास एक मशीन ऑन कर। अब हम एनिमल को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, बटलर माउथ गैग लगाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे लाइट ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे, लाइट ऑन। लाइट ऑन होगी तो पता चलेगा भाई जानवर के मुंह में हमने डेंटल स्केलिंग टूथ रेस्पिंग अब इसको जो है ना जब मैं कहूंगा अब चला, ये क्या करेगा, मैं आपको हल्का सा ध्यान देता हूँ, कोई भी चीज है ना ये उसको इसमें आपको रगड़ देगा, इस तरह की सर्विस को क्या कर रहे हैं आप, इसको टेक्निक कहते हैं, इसको आपने इतने प्रोसीजर के साथ लगाने के जानवर को यहां से मुंह जो है ना वो साइड पर कर रहे हैं, ठीक है, और इसको आराम आराम से लगाने की इंटरनली इसको क्या करे डैमेज ना करे, इस तरीके कार के साथ जानवर का जो दांत है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल शेप के अंदर आ जाएगा। अब इसके डिफरेंट सेट है, ये इसके अंदर दांत को सेट करना, पॉलिश करना, रेस पर ये काटने की डिस्के हैं, ढेर सारी डिस्के हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जानवर को उसका दांत उसको रेगुलर शेप में ला सकते हैं। मेन मशीन और दूसरी बात मशीन को चलाने के लिए चले, इसको ऑन और ऑफ करने वाला बंदा और होगा, उसे जानवर के अंदर कर रहा होगा वो और होगा, तो मुंह से कम्युनिकेट करेगा और बताएगा, क्योंकि मुंह बहुत सेंसिटिव मामला, मुंह के अंदर चला गया तो जुबान न काट जाए, इस वजह से जानवर को हम क्या करते हैं एनेस्थीसिया देते हैं। ये प्रोसीजर कब होगा, एनेस्थीसिया देने के अब इस तरीके कार के साथ दांत बनाना आसान है, या ये हम रगड़ते रहे रगड़ते, डेढ़ घंटा रगड़ने के बाद इतने ऐसे दांत वो कहते हैं कि बन गए आप सही केस नहीं करते, सही अप्रोच नहीं करते, जिसकी वजह से कहते हैं वो डिपोजिट बस ऐसे ही बनता, ऐसे नहीं बनता।
और जिन लोग जो ये भी करते हैं वो गिनती कम देते हैं, वो आम लोग ना ये रेतियां भी लेते हैं, ये रेती लेकर उसके नाम रगड़ के रगड़े, ये देखिए इससे रगड़े हुए नाम कोई नहीं बनाते, काम हल्के हल्के से घिस जाते हैं बस, और वो कहते हैं ठीक हो गया, तीन चार दिन तक वो ठीक रहता है, फिर वही होती है, फिर वही कस्टमर और फार्मर सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फेक्शन मेंटल फील्ड के अंदर क्या है बहुत जरूरी है, इसके मतलब कोई सवाल कुछ पूछना स्पीड का नाम क्या है? ये बेसिकली ना ग्राइंडिंग किट है, जिसको कहते हैं ड्रिल मशीन में नहीं है, तो बस